क्या आप भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? भूत प्रेत जिन्नात आसेब खबीस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपके जिस्म में दर्द रहता है, कभी आपके पेट में, कभी आपके हाथ पांव दुखते हैं, कभी आपको जो है घबराहट होती है, कभी आपको बेचैनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको एक ऐसा बेहतरीन पावरफुल मुजर्रब तावीज़ बताएंगे कि जिसके ज़रिए से सिर्फ़ आप उस तावीज़ को देखेंगे, देखने से ही जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भूत प्रेत जिन्नात आसे प्रेत जो है जल जाएंगे। आपको कोई भी चिराग वगैरह रोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जिन्नात भूत प्रेत आसेब खबीस जादू बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। जिंदगियां जादुओं ने, भूत प्रेत ने, जिन्नातों ने, आसेबों ने जो है तंग कर दी हैं। इंसान तरह तरह के इलाज करवाता है मगर फिर भी आराम नहीं पाता है। तो आज हम आपके लिए ऐसा मुजर्रब फतीला, ऐसा मुजर्रब तावीज़ आपके लिए पेश कर रहे हैं कि जिसको सिर्फ देखने से ही जो है जिन्नात जल जाते हैं, भाग जाते हैं। चलिए बहरहाल सबसे पहले हम आपको जो है लिखने का तरीका बताएंगे, उसके बाद में जो है इसका इस्तेमाल का तरीका आपको बताने वाले हैं। तावीज़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको ये खाने बना लेने हैं। बनाने के बाद में आपको यहाँ नीचे की साइड में एक, फिर ऊपर की साइड में दो या तीन, फिर उसके बाद में जो है तीन के बाद में चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ आपको लिख देना। नीचे आपको तिलिस्म लिखना है, मीम हा, फिर ऊपर की साइड में आपको जो है 79, 111, 53, फिर यहाँ पर आपको आयन स्वाद हा हा हा, इसी तरीके से दूसरा तिलिस्म भी आपको जो है बना लेना है। बस जिस तरीके से आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से आपको जो है लिखना है। जब आप लिख लें तो लिखने के बाद इसका तरीका ये रहेगा कि आप जो है इस तावीज़ को जिस मर्द या औरत पर भूत प्रेत का असर हो तो ये नक्श लिख करके जो है मरीज़ को जो है आपको दिखाना है। मरीज़ इसको अपने हाथ में रख करके जो है देखता रहे। और एक और लिखना है, उसको लिखकर मोम जामा करके मरीज़ के गले में डाल दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खबीस रूहों का असर ज़ायल हो जाएगा, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात भाग जाएंगे, आसेब भूत परे तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बेहतरीन कामयाब ख़ास पावरफुल मुजर्रब तरीक़ा है, ज़रूर आजमाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मरीज़ को मुकम्मल आराम मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।